राहुल की नागरिकता पर सियासी घमासान लंबे समय से छिड़ा है। हर चुनाव के वक्त उन पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगता रहा। इस बार मामला संगीन है क्योंकि नोटिस सीधे मोदी सरकार की ओर से आया है। गृह मंत्रालय ने सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत को आधार बनाकर चुनाव के बीच राहुल से जवाब मांग लिया। राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष को 15 दिनों की मोहलत दी है। राहुल से पूछा गया है कि क्या वो ब्रिटिश नागरिक थे या है। राहुल की नागरिकता को लेकर गृह मंत्री बोल रहे हैं कि सांसद की शिकायत आई तो जवाब देना होगा, तो वही कांग्रेस थमथमा गए। देखिए, यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वह कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है, उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। अब वो बहुत बड़ी कोई बड़ी घटना हो गई ऐसा ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में नहीं पूछा गया था, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कंप्लेंट कई बार दी थी तो वही उसमें प्रोसेस हुई होगी। उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा अमेठी में भी निर्वाचन अधिकारी को दिया गया था कि राहुल बिंची नाम, अरे हम लोगों ने दिया था, जिसने दिया होगा तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। अब यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पत्र आया है तो उस पर भी जो कुछ भी होगा जो उधर से जवाब आएगा उस आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने क्लीन चिट दे दी थी उसके बाद नोटिस जारी करने की वजह। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने कोई मिनिस्ट्री को लिख के भेजा है, कोई प्रोसेस हुआ, यूजुअल कोर्स में होता है। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। उनके सामने पैदा हुआ, उनके सामने उसकी परवरिश हुई, उनके सामने वो बड़ा हुआ, सबको मालूम है। क्या बकवास है ये। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम ने 21 सितंबर 2017 को गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर राहुल की नागरिकता पर सवाल किया था। कांग्रेस इस शिकायत पर अपना जवाब भी देती रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया था कि राहुल 2003 में ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं। इस पर कांग्रेस का जवाब था कि राहुल जन्म से भारतीय हैं और हमेशा रहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक कंपनी का नाम बैकऑप्स था, इसके सालाना रिटर्न में राहुल का नाम है। कांग्रेस ने इसे भटकाने वाली हरकत बताया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कंपनी को 2009 में खत्म कर दिया गया, इसके दस्तावेज में राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया गया। अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन को भी इसी आधार पर चुनौती दी गई थी। निर्दलीय उम्मीदवार दस्तावेज के साथ आपत्ति जताई थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति खारिज कर दी। अब इसे क्या कहा जाए? एक सरकारी अधिकारी नागरिकता विवाद को खारिज कर रहा है और गृह मंत्रालय नोटिस जारी कर रहा है। आखिर सच क्या है?